आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रम अथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के द्वितीय खंड में से चौथा मंत्र हम लोग पढ़े हैं कल, और उसका भाष्य भी कुछ पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्या मृतम अश्नुते विद्या विन्दते मृतम् विद्या विन्दते मृतम्। प्रसंग इस तरह का है कि पहले खंड में जितना सिखाया उससे ये बोध हो गया कि मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है, और इसको कोई अगर वाणी में प्रकट करे तो हम ब्रह्मास्मि इस तरह से होगा। शिष्य ने वाणी में प्रकट नहीं किया, परंतु ऐसा बोध होने पर अत्यधिक आनंद और एक फाइनल ज्ञान में पहुंच गया हूं ऐसा आभास उत्पन्न होता है। मैं ही जब ब्रह्म हूं तो और क्या करता, परंतु गुरु जानते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी मैं है, और इसको अपने चित्त में अत्यंत शुद्ध चित्त में अपने स्वरूप का यथावत प्रतिबिंब इसने देखा है, तो देखने वाला मैं इसका बाकी है। इसको मेरे गुरु जी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी कहते थे कि क्लियर सॉल्यूशन नहीं हुआ है, प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है, पर जैसे दूध पानी में ऐसा ये न घुला हुआ उसी में रह गया है, पर वो दिख नहीं रहा। अब ये जो है ये गुरु को तो दिख रहा है, और वो ये जो पेनल्टीमेट अवस्था है छत पर पहुंचने के पहले की जो सीढ़ी है इसको ही अंतिम मान लेना, ये तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, यद्यपि कुछ ज्ञान तो है। इसलिए गुरु ने शिष्य से कहा दूसरे खंड के प्रारंभ में, यदि तू सोचता है कि तूने अच्छी तरह से जान लिया है तो मैं कहता हूं ये तेरा थोड़ा सा ज्ञान है, जो तेरा ज्ञान है या देवताओं में जो ज्ञान है कॉस्मिक में वो भी थोड़ा ही होगा जब तक कि आम बाकी रहेगा, तो इसको थोड़ा सा और सोच ले। फिर वो शिष्य ने सोचा, फिर उसने पाया कि हाँ बात तो ठीक है, पहले अध्याय में जो गुरुजी ने सिखाया था उसका नतीजा तो ये होना चाहिए था कि मैं नहीं रहे, पर मैं तो रहा हूं, और ये जो है इसको ज्ञान नहीं है तो नहीं कह सकता, फिर पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि तो इसमें मैं है। तो उसने गुरु के पास आकर के कहा कि अब मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं पेनल्टीमेट स्टेप पर हूं, मैं जानता हूं कि जब मुझे पूरा ज्ञान होगा तो मैं नहीं रहेगा मेरा, और मैं है तब तक पूरा ज्ञान नहीं है, और सब शिष्यों की को कहकर कह रहे वो हम लोगों में से जो भी कोई मेरे जैसा सोचेगा उसको ज्ञान हुआ है पर पूरा नहीं हुआ है, उसी का ज्ञान ठीक है, और जो सोचेगा कि मैंने जान लिया उसका ज्ञान ठीक नहीं है। इसी बात को श्रुति फिर अपनी भाषा में कह रही है कि जिसका भी जो भी ये कहता है कि मैं नहीं जानता उसका ज्ञान ठीक हो सकता है, और जो कहता है कि मैं जानता हूं उसका ज्ञान ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है कि जो
है नहीं कहता, उसी को ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म को वो जानता है, और जो कहता है मैं जानता हूँ उसको वो नहीं जानता होता, यही ब्रह्म का स्वरूप है। यानी अल्टीमेट नॉलेज और अल्टीमेट नॉलेज का भाग करके दिखा दिया हमको, पर अल्टीमेट नॉलेज का तो डिस्ट्रीब्यूशन कोई कर ही नहीं सकता। वहां जब अनुभव करने वाला ही नहीं रहता, अनुभव रहता है, अनुभव करने वाला मैं अलग नहीं रहता है, तो बोलने वाला मैं कहां से आए। अब इसमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि क्या ऐसा कुछ चिन्ह नहीं है कि हम जान सकें कि इसने पूरा जाना है। ये तो रास्ते चलते आदमी भी कहता है मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, क्या ये वैसा हो गया क्या, इतने दूर जाकर के भी ये नहीं कह पा रहा है तो फिर कोई नहीं कह पाएगा। ऐसी मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है, उसके जवाब में ये चौथा मंत्र है कि नहीं, पूर्ण ज्ञान का वर्णन तो कभी हो ही नहीं सकता, परंतु उसको जिसको वो ज्ञान हो जाता है उसका जीवन उसका ज्ञान हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है, वो हम ठीक तरह से बोल पाएंगे। वो ये बोलना है प्रतिबोध विदितम मतम, ठाकुर जिसको बोधे बोधे ब्रह्म बोध कह रहे हैं, वही बोध की प्रत्येक वृत्ति में ब्रह्म का बोध हो रहा है, तब हम कहेंगे कि इसका मत ठीक है, यानी इसका ज्ञान ठीक है। कैसा ज्ञान ठीक है? बोध की कोई भी वृत्ति, मैं ये टेबल देख रहा हूं ये बोध की वृत्ति, मैं तुमसे बात कर रहा हूं ये भी बोध की वृत्ति है, इसमें मैं भी ब्रह्म का रूप है, टेबल भी ब्रह्म का रूप है, देखना भी ब्रह्म का रूप है, मैं भी ब्रह्म का रूप है, तुम भी ब्रह्म का रूप हो, बोलना भी ब्रह्म का रूप है। ऐसा ज्ञान जिसको होता है उसका ज्ञान या उसका मत ठीक है। क्यों उसका मत ठीक है? क्योंकि इसी से तो अमृतत्व प्राप्त होगा। जब तक विषय विषय भेद रह गया, अति सूक्ष्म भेद जब रह गया, तब जो है वो ज्ञान पूरा नहीं होगा और वो अमृतत्व तो नहीं पा सकता है। सापेक्षता वो कुछ भी पा ले। अब ये जो अंतिम मय का काटना, इसके लिए शक्ति अलग ही प्रकार की और बहुत अधिक लगती है। उसके लिए कह रहे हैं कि वो शक्ति मिलेगी कहाँ से? आत्मा से ही मिल जाएगी, और कहीं से बाहर से शक्ति संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा से ही वो शक्ति मिल जाएगी, और उसको कल्चर करना पड़ेगा, उस ज्ञान को भीतर में बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मोती को कल्चर किया जाता है, बीमारी को भी किया जाता है, ऐसे उस ज्ञान को हमें भीतर में बढ़ाना पड़ेगा, और जब ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तब ये अवस्था हो जाएगी कि वो अमृतत्व हो गया। अब ये जो बात है, इसको साधारण लोग या ऊंचे दर्जे के साधक लोग भी ठीक नहीं ग्रहण कर पाते, ग्रहण कर रहे हैं इसको पर हो जाती है गलती है। ऐसा है कि जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी कहने से इतने किस्म की गलतियां हो जाती है उसमें, इसलिए यहाँ पर आचार्य के सामने जो दो चार शिष्य होंगे या जितनी संभाव्य गलतियां इसमें है उसको आचार्य निकाल रहे हैं। कोई व्यर्थ के तर्क की बातें नहीं चल रही, ये कोई फिलोसोफर लोगों का अपोजिशन नहीं चल रहा है, पर सुनने वाले इसको गलत धारणा हो सकती है होती है, इसलिए एक एक को देख करके आचार्य निकाल रहे हैं। ये प्रसंग हमारा तो वहां पर वापिस जाते हैं कि जहां पर यदा पुनर्बोध क्रिया करता, या देखो इसमें दो बातें हैं। मैं दीवार देख रहा हूं, ये दोनों ब्रह्म के विषय हैं ना। जैसे कोई सपने का उदाहरण देने से, मैं आम खा रहा था, ये मैं और आम ये दोनों जागृति के मैं वाले के
है ना, दोनों के दोनों। तो इस तरह से दुनिया में जितने मय 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 है और दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों विभाजन जो है वो उसके लिए, तो सत्य के लिए, रियलिटी के लिए, हमारे आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, ये तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये ज्ञाता हो गया। परंतु शास्त्रों में ये भी बात होती है कि ईश्वर को जानने वाला ऐसा जानने वाला ईश्वर है कि जो भी दुनिया में हो रहा है वो उसके मन का एक खेल है, वो तो जान रहा है। परंतु नहीं तो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, ऐसा जानने वाला ईश्वर नहीं है। सब्जेक्ट ईश्वर सब्जेक्ट रूप जानने वाला नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को जानने वाला वो है। इसका भेद हमें समझ में आना चाहिए, और इसके लिए ये भेद साधारणतः समझ में नहीं आता। पर हम कहते हैं ईश्वर सब कुछ जानता है। तो इसमें जो है, ये जो जानना, ये एक क्रिया हो जाती है, और जानना नाम की क्रिया का कर्ता ईश्वर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये पक्ष पहले निराकृत किया जा रहा है कि ऐसे मत कहो, जानने वाला और जानने की चीज ये दोनों ही वो जानता है। वो जानने वाली चीज को जानने वाला ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, यदा पुनर्बोध क्रिया कर्ता इति। बोध कोई क्रिया ही नहीं है, बोध तो स्वभाव है, बोध तो प्रमाण से, सम्यक प्रमाण से अपने आप उपलब्ध होने वाली चीज है, उसको ही हम बोध कहते हैं। यदि अंधकार हट गया, प्रकाश है और कोई वस्तु है, तो हमको तो वो दिखी जाती है, उसको देखो ऐसा नहीं कहना पड़ता हमको। इसलिए बोध कोई क्रिया नहीं है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण ज्ञानेश्वर महाराज अपने कवित्व शैली में देते हैं। वो लोग कहते हैं कि, लोग कहते हैं सूर्य जो है अंधकार का शत्रु है, अंधकार का नाश करता है। अरे, मैं सूर्य भगवान से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अंधकार देखा है क्या? यदि सूर्य है वहां अंधकार नहीं है। और हम कहते हैं सूर्य चमक रहा है, दूसरे तरह से हम कह रहे सूर्य चमक रहा है, तो क्या कोई चमकने की क्रिया कर रहे हैं क्या? चमक रहा है वो, उसका स्वरूप है चमकना है। तो इस तरह से ये क्रिया से प्रतिध्वनि, पर ये क्रिया नहीं है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि यदा पुनर्बोध क्रिया कर्ता ही थी, बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति, बोध लक्षणेन विदितं प्रति बोध विदितं इति व्याख्यायते। जो इसकी ऐसी व्याख्या करते, कोई भी हो जो, इसका मतलब नहीं है नाम देने से, जो भी कोई इसकी व्याख्या करते हैं, बहुत से व्याख्या करते हैं, भर्तृप्रपंचते विज्ञान वीक्षते, तो किसी ने भी ऐसी व्याख्या की है कि बोध क्रिया का करता है। सवाल यह है कि हमारे मन में ऐसा आता है, साधक के मन में, शिष्य के मन में ऐसा आता है, हाँ समझ गया, क्या समझ गया? ये बोध क्रिया का करता है। तो आचार्य के, तो ऐसा अगर समझोगे तुम, इसी को तुम अगर प्रतिबोध भी देते हम मानते हो, मैंने हर जगह बोधक क्रिया का वो करता है, हर जगह हमारे जितने भी बोध रहे हैं, हर बोधक क्रिया का कर्ता वो है, ऐसा इसका अर्थ मत करो। ऐसा अर्थ करने में क्या गड़बड़ी हो रही है? उदाहरण से पहले ये अर्थ समझा रहे हैं। यथा यो वृक्ष शाखा चाले थी स वायु रीति तद्वत, वायु को हम देख नहीं पाते, हम कहते जो पेड़ की शाखाओं को हिला रहा है वो वायु है। तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट को रिएक्ट करने वाला, पेड़ की शाखाओं को हिलाने वाला वायु हो गया ना, ऐसा नहीं है। इसमें गलतियां ये हो रही है, तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम। तो आत्मा एक द्रव्य हो गया और बोध क्रिया की शक्ति उसमें है। बोध क्रिया की शक्ति वाला एक सब्सटेंस, ऐसा आत्मा हो गया, न बोध स्वरूप है। आत्मा बोध स्वरूप नहीं है। हम जो सच्चिदानंद भगवान कहते रहते हैं, वो चित स्वरूप नहीं है, चित चैतन्य क्रिया का कर्ता, ऐसा भगवान। तो भगवान तो एक द्रव्य हो गया,
जायते विनश्यति। और ये बोध कैसा है, जैसे मैं देख रहा हूं इस क्रिया का वो करता है, मैं नहीं देख रहा हूं तो वो खत्म हो गया। मैं जा रहा हूं इस क्रिया का वो करता है, तो मैं जा नहीं रहा हूं तो वो खत्म हो गया। तो क्रिया का करता अगर होता है तो उसमें ये एक मुश्किल होती है कि बोध तो कभी उत्पन्न होता है कभी नष्ट हो जाता है। यदा बोधो जायते तदा बोध क्रिया स विशेष है। यानी आत्मा जब वो बोध उत्पन्न होता है तो वो बोध क्रिया वाला बन गया आत्मा, और बोध उत्पन्न नहीं होता है तो बिना बोध क्रिया वाला हो गया। यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेष है। तो और किसी क्वालिटी के बिना, बोध की क्वालिटी के बिना द्रव्य मात्र हो गया। जब नहीं जानता तो वो द्रव्य मात्र हो गया, जब जानता है तो जानने की क्रिया वाला हो गया। तत्र एवं सति, और ऐसा अगर हो जाता है तो आत्मा का स्वरूप क्या हो गया, विक्रियात्मक बदल रहा है। बोध क्रिया का करता है कभी-कभी और बोध क्रिया का करता नहीं है कभी-कभी, ऐसा आत्मा बदल जाता है। अब ये ब्रह्म का भी जो निर्गुण सगुण स्वरूप हम कहते हैं, ये अवस्था भेद नहीं है। ब्रह्म में कभी अवस्था भेद हो ही नहीं सकता, फिर तो ब्रह्म परिवर्तनीय हो गया। ये एक बड़ी महत्व की बात अभी अभी मैं कहूंगा, मुझे समझ में आई है कुछ महीनों पहले, कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण एक साथ ही होते हैं। साइमल्टेनियसली निर्गुण सगुण होते हैं, ब्रह्म दो प्रकार के होते ही नहीं, हमारा अनुभव दो प्रकार का। जब तक हम अनुभव करने वाले वही बोध क्रिया वाले हो गए, तब तक ब्रह्म को हम सगुण कहेंगे, और जब उसमें बोध क्रिया वाले हम नहीं रहे तो ब्रह्म को हम निर्गुण कहेंगे। इसलिए ठाकुर ने जितनी बार भी कहा है उसको हमको ठीक समझना है। जब वो कुछ नहीं करता तो मैं उसको ब्रह्म कहता हूँ, जब कुछ करता है तो ऐसा नहीं, जब मैं सोचता हूँ कि ब्रह्म कुछ नहीं करता तो उसको निर्गुण कहता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि ब्रह्म सृष्टि कर रहा है तो मैं खाली कहता हूँ। मेरे सोचने में फर्क पड़ा है ब्रह्म में फर्क। तो यहाँ पर तो ये अवस्था भेद वाला हो गया, और विचित्र अवस्था भेद वाला हो गया, कभी बिना ज्ञान के सब्सटेंस है और कभी ज्ञान की क्रिया का करता हो गया। एक तो विक्रियात्मक हो गया, हाँ वही है वो, यानी बोध कभी उत्पन्न होता है उसमें कभी नहीं होता है, तो फिर उसके तो पार्ट्स होंगे। पार्ट होते हैं तभी तो एक पार्ट उत्पन्न होता है और जाता है, तो फिर ब्रह्म के पार्ट्स हो गए। अनित्य बदल जाता है तो अनित्य हो गया, अशुद्ध, यही तो इंप्यूरिटी है उसकी। इत्यादेव दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते, ये इन दोषों को तुम नहीं निकाल सकते मन से, इसलिए ऐसा मत सोच। अब दूसरा जो पक्ष है उसको नाम दे दिया उन्होंने, गणादित्यदि जो कहते हैं वैशेषिक मत वाले। यद्यपि काना का नाम आत्म मन संयोग जो बोध आत्मनि समवायी थी, काना का नाम मैंने गणाद की पार्टी के लोग कहते हैं कि आत्मा में बोध नहीं है, मन में भी बोध नहीं है। इंडिपेंडेंटली जो हम देखते हैं तो मन में बोध नहीं है, और आत्मा में सुख दुख नहीं है, बोध नहीं, ऐसा नहीं, पर हम सोचते हैं कि आत्मा में बोध ही नहीं है। आत्मा और मन का अगर योग हो गया तब बोध नाम की चीज, ये बहुत ही हमारा जो रोज का भौतिक अनुभव है इसी को फिलोसोफाइज कर दिया, और विशेष कुछ नहीं होता। तो हम ऐसे सोचते हैं कि जब मन आ जाता है तो फिर बोध उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है तो मन में नहीं रहता आत्मा में रहता। ऐसा अगर जो सोचते हैं मन संयोग जो बोध आत्मनि सम वही थी, मैंने आत्मा में रहता है, अतः आत्मनि बोध रुतम, तब आत्मा जानने वाला बनता है।
तो विग्रहात्मक आत्मा, इसमें उन्होंने, वो अगर न्याय पक्ष हो या कोई पक्ष हो, इसे एक इम्प्रूव करने की कोशिश की। क्या आत्मा बदलने वाला नहीं है, बोध है ही नहीं उसमें कभी भी, बोध आकर उसमें बैठ गया बस, आत्मा क्या बदला? आत्मा तो बिना बोध वाला ही है, कभी बोध वाला है कभी नहीं है तो विग्रह हो गई। आत्मा तो बोध वाला ही नहीं कभी। आत्मा और मन के संयोग से बोध नाम की एक चीज उत्पन्न हो गई, आत्मा में रहती है चीज तो अलग ही हो। ऐसा उनका लगता है कि हमने एक बाजू में मत कर दी। आत्मनि बोधरत्वम, ये आत्मा का जानना है। न तो विक्रय आत्मा का आत्मा, उसमें आत्मा बदलने वाला नहीं है। द्रव्य मात्र होती, फिर तो आत्मा केवल एक जड़ वस्तु ही हो गया। अब वो हमको स्ट्राइक होना चाहिए, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, घट रही थी घट रही हो, घड़ा है राग समवाई, माने बोध उसमें रहता है ना, तो इस तरह से घड़े के ऊपर ने चित्र पेंट कर दिया। घड़ा तो घड़ा ही है, पेंट नहीं करो तो भी घड़ा है, पेंट किया तो भी घड़ा है, घड़े में क्या फर्क हुआ है? पर हमने उसको एक चित्र पेंट कर दिया। ऐसा ये आत्मा में ये ज्ञान का लेप लग गया है। अभी इस पक्ष में क्या हो रहा है कि आत्मा तो अचेतन द्रव्य मान रहा, इसमें कभी चेतन कभी अचेतन था, इसमें परमानेंट भी अचेतन ही द्रव्य मान लिया। द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति, फिर कह रहे कि इतने वेदांतों में इतने ऋषि कह रहे हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान आत्मा का स्वरूप है, आनंद आत्मा का स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, इत्यादि श्रुतयो बाधित, ये सब श्रुतियां बेकार के हो गई। देखो हमारा जो भी ज्ञान है, हमारे मन बुद्धि से उत्पन्न अज्ञान ही होता है, ये आचार्य यहां बता रहे। जब तक हम ऋषियों की बात नहीं सुनते, ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए वेदों को देखो, ऋषि लोग क्या कह रहे हैं देखो, अपने मन की बात मत करो, तुम्हें ऐसा लगता है वैसा लगता है तो लगना ही है। ऋषि लोग कह रहे हैं कि आत्मा तो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है, आनंद है, तो इनका ये ऋषियों का कहना क्या तुम काट सकते हो? आत्मनो निरवयत्वेन प्रदेश अभावत, और आत्मा में तुम कहते हो निरवय है, एटॉमिक आत्मा, एटॉमिक, उसमें स्पेस तो ही नहीं, उसमें पार्ट भी नहीं है, तो तुम खुद मानते हो अगर पार्ट नहीं है तो ये ज्ञान बैठता कहाँ है? आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो आत्मा में बैठता है, ये पार्ट ही नहीं तो उसमें बैठेगा कैसे? देखो स्पंज होता है हमारा, तो स्पंज में तो बहुत सारे पार्ट्स है ना, छेद छेद है सारे, उसको पानी में डुबा तो पानी सोख देता, ऐसे आत्मा में जगह क्या है कि जिसमें ज्ञान बैठेगा? निरवयत्व ना प्रदेश अभाव, आत्मा निरवय होने के कारण उसमें प्रदेश पार्ट है, जगह ही नहीं है। नित्य संयुक्त मनसा स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति ही, दूसरा आर्गुमेंट, ये आवाज जहां पंचमी आती है ना, वो एक आर्गुमेंट हो गया। आत्मनो निरवयत्वे न प्रदेश अभाव, नित्य संयुक्त मनस, अच्छा मन के साथ आत्मा का नित्य संयोग है, कभी मन के साथ संयोग नहीं, ऐसे देखा है कि तुमने आत्मा को? आत्मा का तो मन के साथ नित्य संयोग, फिर स्मृतियों का क्या? हमारे सारी स्मृतियां एक साथ है क्या हमारे मन में?
आत्मा के टच से मन में स्मृतियां जगती है तो सारी स्मृतियां एकदम जगती है। तो स्मृति कब जगती है कब नहीं, तो कोई नियम ही नहीं बना, तो सारी स्मृतियां एकदम आ गई, मैड हो जाएगा आदमी। नियम अनुपपत्ति अपरिहार्य, ये दो चीजें अपरिहार्य हो जाती है। आत्मा में जगह ही नहीं है और स्मृतियों का कोई नियम ही नहीं बनेगा, ऐसी चीज। और भी कई चीजें होंगी, संसर्ग धर्मित्व च आत्मना, इसमें ज्ञान आके बढ़ जाता है तो आत्मा में संसर्ग धर्मी है क्या? किसी चीज के साथ आत्मा का संसर्ग होता है क्या? माने श्रुतियों में अगर हम देखो, बीच में तो दो प्रैक्टिकल चीजें होते हैं मेमोरी वगैरह, श्रुतियों में पहले तो बात होता है बोध स्वरूप में, और श्रुतियों की दूसरी बात है असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है, आत्मा का कभी किसी से स्पर्श होता ही नहीं है, ये मुक्ति है, ये रियलाइज करना। गीता में बोला असक्तम सर्व, असक्त होकर के सबको पढ़ा रहे हो, इति श्रुति स्मृति। आप बोले श्रुति स्मृति बोले ही ना, अब जरा कॉमन लॉजिक में लगा, बस न्यायश्च, ये न्याय माने न्याय फिलोसफी नहीं है, न्याय माने लॉजिक, कॉमन लॉजिक। गुणवत् गुणवत्ता संसृज्यते, एक गुण वाली चीज दूसरी वाली गुण वाली चीज से चिपक जाएगी, न अतुल्य जाती है, दो चीजें बिल्कुल भिन्न कैटेगरी के, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे? अतः निर्गुणम निर्विशेषम सर्व विलक्षणम ये आत्मा है ना, ये न चिदपि अतुल्य जाती है न संसर्ग जाते न्याय विरुद्धम हुए, इसलिए कॉमन लॉजिक के अगेंस्ट हो जाता है कि जो आत्मा निर्गुण निर्विशेष सबसे अलग ही नेचर का है वो किसी भी चीज से कैसे जुड़ेगा? जिसका नेचर किसी चीज से नहीं मिलता वो किस चीज के संस्पर्श में होगा? तस्मात नित्य अलुप्त ज्ञान स्वरूप ज्योतिर, इससे कंक्लूजन तो ये हुआ कि जिसका ज्ञान कभी मिटा नहीं ऐसा आत्मा अनित्य है, ज्योति स्वरूप है आत्मा, ब्रह्म इति अयम आत्मा, ऐसा आत्मा ही ब्रह्म कहलाने लायक है, जो नित्य ज्योति स्वरूप है नित्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा आत्मा ही ब्रह्म कहलाने लायक है। इति अयम अर्था सर्व बोध बोधृत्व आत्मा न सिद्धति न अन्यथा, आत्मा क्या जान रहा है? सब बोधों को जान रहा है, बोध माने वही अलग अलग बोध की प्रक्रिया है, मैं दुनिया देख रहा हूं इसको आत्मा जान रहा है। सर्व बोध बोधरुत्व आत्मा ना सिद्ध, आत्मा का तब सर्व बोधों का बोधक होना ये सिद्ध हो रहा है। सब्जेक्ट of all subject-object relations. तस्मात् प्रतिबोध विदितम मतमिति यथा आख्यात एव अर्थ अस्माभिः, इसलिए हमने प्रतिबोध का जो अर्थ आपको बताया था, प्रत्येक बोध के अंदर बोध होना वही है। अब और भी लोग यद पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थो, ऐसा होता है ना, हे भगवान तुम ही खुद को जानते हो, तो प्रतिबोध विदितम का ये अर्थ लेते हैं कुछ, आत्मा खुद ही खुद को जानता है, ब्रह्म खुद ही खुद को जानता है, ये भाषा हो गई, आत्मा में तो टुकड़ा हो गया क्या जानने वाला और जानता। तो साधारण भक्तों की ऐसी कल्पना है, मतलब भाषा है ये प्रभु, यद पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदितम इति अस्य वाक्यस्य अर्थ हो, प्रतिबोध विदितम का यह अर्थ करो कि आत्मा खुद को ही जानती,
सब कुछ है, इसलिए सारे बोलो में तत्र भवति सोपाधिकत्व आत्मनो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्य आत्मनम आत्मवेत्ति इति सो। उसमें तो यही हो गया कि बुद्धि में जो क्या हुआ, सोपाधिक हो गया आत्मा, यानी जानने वाला हो गया। एक तो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्यति, बुद्धि हमारी बुद्धि अलग अपनी बुद्धि अलग, इसमें भेद हो रहा है आत्मा में। आत्मानम आत्मा वेत्ति थी सब, क्योंकि खुद को जानते हो, मैं एक जानने वाला हो जाएगा और एक बुद्धि में प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसे वर्णन है, आत्मनियम आत्मानम पश्यति, अपने में ही आत्मा को देखता है, ऐसा कहते हैं ना। अरे क्या उसको कुछ तो भाषा बोलनी पड़ती है इसलिए ऐसा कहते हैं। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, गीता भी अर्जुन ने सीखा इति। न तो निरुपाधिकस्य आत्मना एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति, निर्गुण जो ब्रह्म है वो एकमेव अद्वितीय होने के कारण उसमें अपने को जानना या दूसरे को जानना ऐसे हो ही नहीं सकता। उससे दूसरा भी कोई नहीं है और अपने को भाग करके भी नहीं जान सकता। ये निर्गुण का जो प्रतिबोध विदित होने वाला है उसका सही ज्ञान हमको करा रहा चाहिए, नहीं नहीं रहना चाहिए। अरे बार बार उसमें संवेदना स्वरूप संवेदना अंतर अपेक्षा च न संभव होती। अगर जानता है अपने को ही तो फिर एक जानने वाला अलग मिलेगा। यथा प्रकाशस्य प्रकाश अंतर अपेक्षा न संभवत, एक लाइट जो है वो टेबल को लाइट कर रहा है, उसको लाइट करने के लिए और एक लाइट लगेगा क्या? इसलिए ये काल्पनिक का भेद है भाषा में है। ये तीसरा पक्ष हो गया, बोध क्रिया का कर्ता गलत है और आत्मा में बोध ही नहीं है, वो समवाय से बोध आता है उसमें, ये भी गलत है। और आत्मा खुद को ही जानता है, ये खाली भाषा है। चौथा पक्ष है बौद्ध पक्ष है, मैंने दो का नाम दिया, दो का नाम नहीं दिया है। बौद्ध पक्ष है स्वसंवेद्यतायाम तो क्षणभंगुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात्, ये समझना पड़ेगा पहले। बौद्ध पक्ष ये ब्रह्म आत्मा मान ही नहीं रहा, क्या मान रहा है, विज्ञान। विज्ञान माने हमारे मन में जो बोध है ना उसी को फाइनल मान रहा। मन में हमारे ऐसे बोध है, मैं इसको जानता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये तो मन में बोध है और ये प्रत्येक क्षण खत्म हो जाता है। ये बोधों का विश्लेषण है कि मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो देखने वाला गया, मैं की व्याख्या ही वहां पर देखने वाला हो गई थी, ये खाने वाला मैं। तो ये जो स्वसंवेद्य में है इसको अपने में भाग करके स्वसंवेद्य नहीं है, तो बोध कह रहे जो स्वसंवेद्य है तो क्षण भंगुर। फिर वो कहते आत्मा ही नहीं है, आत्मा नहीं माने जो क्षण भंगुर है उसको हमें खींच कैसे कहेंगे। निरात्मकत्व तो माने उसका कोई अस्तित्व ही नहीं हुआ, उसका कोई स्वरूप ही नहीं हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो वेदांत को सपोर्ट करने वाली बौद्ध पक्ष है कि ये चीज जब बदल जाती है तो उसको चीज कहेंगे कैसे, कौन सी चीज हुई। अब हम दुनिया को देखते हैं स्थूल रूप में कि कल आज जैसी नहीं, आज सत्य कह देते हैं, तो फिर चीज कौन सी कहेंगे। जब सूक्ष्म में जाके देखेंगे तो बोध तो प्रतिक्षण बदलता है, तो फिर आत्मा कहां से है। इससे बौद्धों ने क्या क्या मालूम, एक निरात्मा देवी बना ली। स्थूल से सूक्ष्म में जाते तो भोग ज्यादा हो जाते ना,
आत्मा तो है ही नहीं, तो एक निरात्मा नाम की दे दी। तो बौद्धों का पक्ष आत्मा नहीं मान रहे, विज्ञान मान रहे, और विज्ञान क्षण मांगुर मान रहे, तो उसमें आत्मा बनने की कोई क्वालिटी नहीं हुई। वेदांत को देखो, ऋषि का कह रहे, देखो नहीं, विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरि लोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ब्रह्मा अविनाशी है, जानने वाला के सामने अगर कोई सब्सटेंस नहीं रहा तो कोई सब्सटेंस नहीं है, पर जानने वाले की जानने की शक्ति तो कोई तो अविनाशी ही है। मुंडक उपनिषद ने कहा नित्यम विभुम सर्वगतम, नित्य है, सर्वव्यापी है, सब में गया हुआ है, भंगुर नहीं है। सवा यश माम अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभया, ये गुरुधर ने कहा यही आत्मा महान सर्वव्यापी है, ये बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, अमृत है, भय नहीं है इसमें, ऐसा जो आत्मा है इत्यादि श्रुतियों पाते हैं। फिर ये श्रुतियां ठीक नहीं हो रही है कि आत्मा नित्य वस्तु है। दो संभाव्य भेद है, संभाव्य माने गलत नहीं है भेद, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग बोलो, या ये क्या चीज है। पुनः प्रतिबोध शब्द है ना, निर्निमित्त बोधा प्रतिबोधा यथा सुप्तस्य इति अर्थ परिकल्पयन्ति। सुप्त का उदाहरण दे रहे हैं, सुषुप्ति को ब्रह्म ज्ञान नहीं दे रहे हैं। सुषुप्ति में, सुषुप्ति के गलत रीडिंग, सुषुप्ति में क्या है, जागृति में किसी चीज को लेकर के हमारा बोध होता है ना, स्वप्न में किसी चीज को लेकर के बोध होता है, सुषुप्ति में तो है नहीं, कोई चीज नहीं है जिसको लेकर के हमारा बोध होगा। तो इसको कहते हैं निर्निमित्त बोध। इसको वजह से बड़े बड़े योगी लोगों ने कंटेंटलेस मेडिटेशन, मैंने मेडिटेशन में हमारा कोई चीज निकल जानी चाहिए, सारी निकाल दो निकाल दो निकाल दो, जैसे वैक्यूम या शून्य कुछ भी। अरे जितना वैक्यूम कर दोगे उतना तुम तो रह जाओ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कंटेंटलेस मेडिटेशन है ना, ये प्रतिबोध में आ जाता है, यानी निर्विकल्प समाधि का अलग प्रकार से वर्णन कर रही है, गलती नहीं बोल रही है। निर्विकल्प समाधि सुषुप्ति के समान, माने जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, मैं तुम वाला, ऐसा बोलता है। ठीक है, दूसरे कहते हैं कि एक बार समाधि हो गई ना, क्यों हो गया, एक बार किसी को निर्विकल समाधि में ज्ञान हो गया तो फिर उसको प्रतिबोध हो ही जाएगा। ये कोई गलत नहीं है, एक एक पार्श व्यू देखा। सकृत विज्ञानम प्रतिबोध ही थे परे, सकृत माने एक बार फ्लैश हो गया कि उसका जीवन में बदल गया। अब आचार्य के जवाब देखो इसको, मतलब कंटेंट लेस है कि कंटेंट फुल है हमको नहीं मालूम, कंटेंट उसमें कुछ नहीं है कि पूरा ही कंटेंट है। अरे प्रकाश स्वरूप जो है वो तो फुल कंटेंट है, उसको तुम निर्निमित्त तो बोलो कि सनिमित्त तो बोलो, एक बार बोलो कि 10 बार बोलो, हमें इससे मतलब नहीं। आचार्य का हमें इससे मतलब ही नहीं, प्रतिबोध में उसका ज्ञान है कि नहीं, हमारी निर्विकल समाधि का स्वरूप। अरे वर्णन नहीं कर सकते हम निर्विकल समाधि का स्वरूप, तुम कर ऐसा निर्निमित्त है, हम कहेंगे निर्निमित्त है कि सनिमित्त है, एक बार होती है कि 10 बार होती है, इसकी हमको जरूरत ही नहीं है। हमको ये जरूरत है कि उसके परिणाम स्वरूप उसका प्रत्येक बोध में प्रमोद हो, इसलिए गलत पक्ष नहीं, भाषा अपनी अपनी।
नींद के, नींद को समाधि नहीं बोला जाता, नींद का एक ऐसे शब्द उदाहरण आ गया कि उसमें कंटेंट नहीं होता ना कुछ ऐसा। अभी कंटेंट नहीं है उसमें कि कंटेंट है पूरा, ये हमें क्या मालूम। इसको बौद्ध लोग शून्य कहते हैं, इसी को वेदांती लोग पूर्ण कहते हैं। तो कंटेंट है कि नहीं है हम क्या बताएंगे। कंटेंट हो नहीं हो, एक बार हो या बार बार हो, प्रतिबोध है वो ऐसा, किंतु उसका परिणाम तो यह है कि प्रत्येक बोध में हो रहा है। ठीक है, यहां तक ये पैरा कर देना चाहिए था, माने गलत पक्ष सही पक्ष सबका ये यहाँ खत्म हो गया। अब मंत्र में जो अगला भाग है, अमृत तत्व ही विन्दते, ये माने हेतु होता है। यस मान अमृतत्वम अमरण भावम स्वात्मनि अवस्थानम मोक्षम ही यस्मात् विन्दते। अमृत माने मरता नहीं है, कैसे, शरीर तो मरेगा ही, आत्मा भाव ही है जो मरता नहीं है। आत्मा भाव में रहना ही मोक्ष है, वो इससे प्राप्त होता है। विन्दते लभते यथोक्ता प्रतिबोधा प्रतिबोध विदितात्मका, जिसको हमें हमने प्रतिबोध बोला उससे ही अमृतत्व होता है। निर्विकल समाधि अगर किसी को ही, तो बाद में उसका सब ब्रह्म ही दिखेगा, तब अमृत होगा। तस्मात प्रतिबोध विदितम एवं मतो इत्यादि। इसलिए जिसको प्रतिबोध में हो रहा है उसका ही ज्ञान ठीक है, क्योंकि अमृतत्व तो उसी से पाएगा। बोध से ही प्रत्यगात्म विषयत्व च मतम अमृतत्व हेतु। बोध जो है भीतरी जो आत्मा है उसी का स्वरूप है, ये अमृतत्व का हेतु। ज्ञान सारा हमारे भीतर ही है, उसको पाना ही अमृतत्व है। नहीं आत्मनो अनात्मत्वम अमृतत्वम, शरीर से मन से लेकर के अमृतत्व नहीं होगा जो आत्मा है उसका। अनात्मा को किसी को लेकर के अमृतत्व नहीं होने वाला, आत्मा अपने में ही स्थित है तो अमृतत्व। अभी यहाँ निर्निमित्त तो दोबारा शब्द है, अर्थ है बिल्कुल अलग आ रहा है। आत्मत्वात् आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तमेव। निर्निमित्त माने कोई हेतु नहीं है उसका, आत्मा का अमृतत्व होने का और कोई हेतु नहीं है, आत्मा अमृत है बस। आत्मा का अमृतत्व में कोई दूसरा हेतु नहीं है। एवं मर्तत्व आत्मनो यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति। मरना तो हमारा तब होता है जब आत्मा में हम अनात्मा को देख रहे हैं, जब अनात्मा को आत्मा देख रहे हैं, आत्मा में अनात्मा देख रहे हैं, तब मरता है, मरना आता है। आत्मा को आत्मा स्वरूप से जानने में मर्तत्व की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब तीसरी लाइन में क्या, तीसरी लाइन क्या है, आत्मता विन्दते वीर्यम कथम पुनर यथोक्त या आत्मविद्या अमृतत्व विन्दते इत्यतः। जो अभी तक आत्मविद्या बताई उससे अमृतत्व कैसे प्राप्त होता है इसको बताया जा रहा है। कथम मैंने प्रकार उसको, आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते वीर्यम बलम सामर्थ्यम। आत्मा के अपने स्वयं रूपेण माने स्वरूपेण, आत्मा के स्वरूप से ही ये वीर्य प्राप्त हो जाता है। इसको आचार्य समझा रहे, धन सहाय मंत्र औषधि तपो योग कृतम वीर्यम मृत्युम न शक्नोति अभिभवितुम।
अनित्य वस्तु कृतत्व, पैसे से अमृतत्व नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा एक अनित्य वस्तु है। किसी के दूसरे की सहायता से नहीं होगा, कोई तुमको अमृतत्व दे कैसे देगा, तो दिया हुआ अमृतत्व हो जाए। मंत्र, मंत्र से अमृतत्व नहीं मिल सकता, मंत्र भी एक बाहर की चीज है। औषधि ये खूब लोग प्रयोग करते हैं, गांजा तो छोड़ो, LSD और क्या क्या समाधि जैसी अवस्था हो जाती है, तो दवाई खा करके अमृतत्व नहीं मिलने वाला। ये सारी अनित्य चीजें हैं। तप करने से अमृतत्व नहीं होगा, योग करने से अमृतत्व नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मृत्यु को हराने में समर्थ नहीं है। ये सारी चीजें अनित्य है, अनित्य वस्तु के जरिए हो रही है, वो तो मृत्यु को नहीं डिफीट कर सके। आत्मा से ही शक्ति प्राप्त होती है का आचार्य ये बता रहे कि बाहर किसी दूसरे चीज से शक्ति नहीं मिलती। आत्मा जैसा ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आत्मा को और दूसरी शक्ति की क्या जरूरत है। आत्मविद्या कृतम तो वीरम आत्मना एवं विन्दते, आत्मविद्या से जो बल मिल रहा है तुमको, तो आत्मा से मिल रहा है ना अन्य न इतिया तो अनन्य साधन आत्मविद्या वीर्यस्य। इसलिए दूसरे किसी साधन से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। आत्मविद्या वीर्यस्य तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नोति अभिमुख। आत्मविद्या से जो बल प्राप्त होगा वो मृत्यु को हरा लेगा। आत्मा का स्वरूप मृत्यु के अतीत होने के कारण आत्मा से ही हमको वो बल मिलेगा। हम लोगों ने इसका दूसरा अर्थ किया था जो महत्वपूर्ण है, कहां से शक्ति आएगी, आत्मा से ही। उसी का ये भाष्य बोलो, बाहर से कहीं से नहीं आई। अब ये कहां मिलता है तुमको, जितने व्यायाम के अखाड़े हैं उसमें प्रवेश करो तो लिखा रहेगा नायम आत्मा भले ही नहीं लभ्या। तो कसरत करके ये चीज नहीं मिलने वाली, वो पेट भर के खाने से भी नहीं मिलने वाली, तपस्या करके भी नहीं मिलने वाली, आत्मा के भीतर है वो। ये तो एवं आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मना एवं विन्दते। अतः विद्या आत्म विषय अगला चौथा चरण विन्दते अमृतम। इसलिए इसको कल्चर करना बस बाकी रहता है, उसी से अमृतत्व मिलेगा। अब डाला ही आचार्य जी वचन, नायम आत्मा भले ही नहीं लगता इति अथर्वणे। मुंडक उपनिषद ने कह दिया है कि भले ही इनको आत्मा प्राप्त नहीं होगा, इसका ये अर्थ है आत्मा से ही वो बल प्राप्त होगा, उससे प्राप्त होगा। अतः समर्थ हो हेतु अमृतत्व में विन्दते, इससे अमृतत्व मिलता है, इसीलिए प्रतिबोध विदित में चाहिए। अब ये पांचवा मंत्र भयंकर है, भयंकर है। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत इहावेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। नहीं जाना तो बड़ा नुकसान।
एक साधक महापुरुष जी को बोल रहा है, पढ़न भरन बहुत अच्छा ध्यान होता है। बोले ध्यान करके क्या करेगा, निर्विकल समाधि पाएगा, तो वो तो हम सबने पाने ही चाहिए। ये महापुरुष जी रामकृष्ण मिशन का आइडियल देखो, तो कह रहे कि इसी जीवन में तूने पा लिया गया तब तो ठीक है, नहीं पाया तो अब ये दुनिया का बता रहे। दुनिया में सबको देखते हुए भी उसमें से तुमको ब्रह्मदर्शिनी होनी चाहिए, तभी इस श्लोक से उठ। ॐ अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।